एचडीएफसी बैंक से, तो हमको नहीं मालूम था, कुछ लोग बताए कि पेपर ले लीजिए उसका, मतलब एनओसी। तो एनओसी देने लेने गए तो कह रहे हैं कि आपका पेमेंट तो हो चुका है लेकिन वो बाकी है आपका, मतलब एक एक दो बार चेक बाउंस हुआ था उसमें, आप आपको वो उसका चार्जेस देना पड़ेगा 2500 रुपये। हाँ, लेकिन बैंक बैंक ने हमको कोई इन्फॉर्म नहीं किया था। पता नहीं, एक ही बार दो बार हुआ था चेक बाउंस, फिर तो जो उन्होंने कॉल किया तो तुरंत पैसा जमा कर दिया था उसका। हाँ, तो लोन फाइनल कब हुआ लोन हो गया, 3 साल फाइनल हुए। आपका? तो इतने टाइम क्या कर रहे थे आप? तो हमको कोई सूचना नहीं मिला ना सर। फिर एक लोग बताए, इसी तरह बातचीत तो होने लगा, तो वो कहे कि आप एनओसी पेपर ले लीजिए। हमको नहीं मालूम था कि एनओसी पेपर भी लेना पड़ता है। मैं तो उन आपके पेंडिंग आ रहा है वो। कुछ नहीं पेंडिंग, हमको कुछ नहीं मालूम था, हमारा जितना किस्त था सब नहीं, कंप्लीट हो आपकी बात चुका मान लिया, लेकिन वो पेंडिंग अमाउंट मान रहे हैं ना आपका? है। वो करें, हम एनओसी पेपर तब देंगे जब आप ये पेंडिंग अमाउंट आप देंगे तब। लोन कितने का था? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का। जी, हाँ, देखिए, इसके लिए तो अब ये है कि कोई लीगल नोटिस वगैरह भेजो तो अच्छा, आपका खर्चा भी उतना ही हो जाएगा, तो उसमें छोटा मोटा कोई सेटलमेंट करके 500 1000 रुपए कम हो जाएंगे यूं। अच्छा, तो नहीं तो बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए चाहिए ना, चाहे हमको जो जैसे भी। नहीं, वो तो गलती अपनी होती है ना, अपन जब समय पेमेंट जमा कराए ना, उसी समय को अपने को ये चीजें कर लेनी चाहिए। अच्छा, नहीं हमको सर मालूम नहीं था कि ऐसा होता है, मतलब कि वो देना पड़ता फिर। वो गलती अपनी है, अपने अच्छा उसी समय क्लियर करना चाहिए, आता तो एनओसी लेनी चाहिए। अच्छा तो वो जमा कर दें, उसके बाद पेपर ले लें उनसे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।